शांति 6/12/2024 का महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। आज का प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? उत्तर, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गॉडरेस का ताला लगा था वो खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कल्प पहले जितना पार्ट पढ़ा है वो अभी भी पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ सिखलाते हैं। जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी है, तब से ही फिर सतगुरु के रूप में शिक्षा दे रहे। यह तो बच्चे समझते ही हैं, जबकि बाप टीचर गुरु हैं तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। ऊँचे ते ऊँच, बड़े ते बड़ा है। बाप जानते हैं यह सब मेरे बच्चे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है कि आकर के हमको पावन दुनिया में ले चलो, परंतु समझते कुछ नहीं है। अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कहते भी है आकर के हमको रावण की जेल से लिबरेट कर, दुखों से छुरा कर अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। नाम दोनों अच्छे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति व शांति धाम सुख धाम। सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है कि शांति धाम कहाँ है, सुख धाम कहाँ है। बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही समझदार बनने की है। बेसमझो के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है कि ऐसा समझदार बनना है, सभी को सिखलाना है। यह है एम ऑब्जेक्ट, मनुष्य से देवता बनना। यह है ही मनुष्यों की सृष्टि, वह है देवताओं की सृष्टि। सतयुग में है देवताओं की सृष्टि तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में होगी। अब मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग भी होगा। वह है देवताएं और यह है मनुष्य। देवताएं हैं समझदार, बाप ने ही ऐसा समझदार बनाया है। बाप जो विश्व का मालिक है, भल मालिक बनता नहीं है परंतु गाया तो जाता है ना, बेहद का बाप, बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का सुख होता ही है नई दुनिया में और बेहद का दुख होता है पुरानी दुनिया में। देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने हैं, उन्हों का गायन भी है। आजकल तो 5 भूतों को भी पूजते रहते हैं। अभी बाप तुमको समझाते हैं, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, हमारी एक टांग स्वर्ग में है, एक टांग नरक में है। रहते तो यहाँ हैं परंतु बुद्धि में नई दुनिया में हैं, और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप की याद से ही तुम पवित्र बनते हो, यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर है परंतु शिव बाबा कब आया, क्या आकर के किया, यह कुछ भी पता नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं और श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं वह शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते तुम बच्चों को, तो अर्थ समझाया जाता है। अथाह दुख है कलयुग के अंत में, फिर अथाह सुख होते हैं सतयुग में। यह तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही अब पढ़ेंगे, जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लगेंगे और ऐसा भी पद भी पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्र है, तुम ही ऊँचे ते उच्च पद पाते हो, फिर तुम उतरते भी ऐसे हो। बाप ने समझाया है यह जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं, माला है ना, सब नंबर बार आती है।
हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो बाप बैठ समझाते हैं। अब जो तुमको बाप समझाते हैं वो अपने भाइयों को समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप आकर हमको समझाते हैं, हम फिर भाइयों को समझाते हैं। भाई भाई आत्मा के संबंध में है। बाप कहते हैं, इस समय तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन बनने के लिए। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा अपवित्र तो जेवर भी अपवित्र। नंबर वार तो होते ही हैं, फीचर्स एक्टिविटी एक न मिले दूसरे से। नंबर वार सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, फर्क नहीं पड़ सकता है। नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होंगी, वही रिपीट होगी ना। या फिर बेहद का और कल का ड्रामा है। कल तुमको समझाया था, तुमने रजाई ली, फिर रजाई गवाई, आज फिर समझ रहे हो रजाई पाने के लिए। आज भारत पुराना नर्क है, कल नया स्वर्ग होगा। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। यह लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं, जो भ्रष्ट हैं वो नर्क में रहते हैं। यह राज तुम अभी समझते हो। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तो अब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता है, तुम फिर औरों को भी रिफ्रेश करते हो। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर सदगति को पालेंगे। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, मेरा पाठ ही है पतित दुनिया को बदल, पावन दुनिया बनाना। वहाँ तो तुम्हारे पास कारून का खजाना होता है, यहाँ तो कंगाल है। इसलिए बाप को बुलाते हैं, आकर बेहद का वर्षा दो। कल्प कल्प बेहद का वर्षा मिलता है, फिर कंगाल भी हो जाते हैं। चित्रों पर समझाओ तब समझ सके। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, फिर 84 जन्म लेते मनुष्य बन गए। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है, तुम जानते हो। आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको बैकुंठ पैराडाइस डीटी वर्ल्ड भी कहते हैं। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो डेविल वर्ल्ड है। डेविल वर्ल्ड की एंड डीटी वर्ल्ड की आदि का अब है संगम। यह बातें अभी तुम समझते हो और कोई के मुख से सुन न सको। बाप ही आकर इनका मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे, समझते नहीं हैं। बाप की सवारी किस पर होगी। जैसे तुम्हारी आत्मा की इस शरीर पर सवारी है ना, सिर्फ बाबा को अपनी सवारी तो है नहीं, तो उनको मुख जरूर चाहिए, नहीं तो राज्यों कैसे सिखाएं। प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे। तो यह सब बातें दिल में नोट करनी है। परमात्मा की भी बुद्धि में सारी नॉलेज है ना, तुम्हारी बुद्धि में यह बैठना चाहिए। यह नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। कहा भी जाता है तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना। बुद्धि आत्मा में रहती है, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई, अभी समझते हो। रावण ने हमारी बुद्धि क्या बना दी है। कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थे, बुद्धि को एकदम गॉडरेस का ताला लगा हुआ था। गॉड अक्षर तो आता है ना, बाप जो बुद्धि देते हैं वह बदल कर पत्थर बुद्धि हो जाती है। फिर बाप आकर ताला खोलते हैं। सतयुग में है ही पारस बुद्धि। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, नंबर वार सबकी बुद्धि खुलती है। फिर एक दो के पीछे आते रहते हैं। ऊपर में तो कोई रह न सके, है ना, परम धाम में तो कोई रह न सके। सभी आत्माओं को पाठ बजाने इस सृष्टि पे आना ही है। पतित वहाँ रह न सके, बाप पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं। वहाँ सब पावन आत्माएं रहती है, वह है निराकारी सृष्टि। तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी
जैसे बहुत नज़दीक दिखाई पड़ता है। तुम्हारा घर से बहुत प्यार है, तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनका बाप के साथ लव है, उनका घर के साथ भी लव है, मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, तुम समझते हो यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे, छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है, ज्ञान और योग में जो मस्त है वो बड़े हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे हैं तो बड़ों को पढ़ाते हैं, नहीं तो कायदा है बड़े छोटों को पढ़ाते हैं। आजकल तो मिडगेट भी हो जाते हैं, यूं तो सब आत्माएं मिडगेट है, आत्मा बिंदी है, उनका क्या वजन करें, सितारा है, मनुष्य लोग सितारा नाम सुन ऊपर में देखेंगे। तुम सितारा नाम सुन अपने को देखते हो, धरती के सितारे तुम हो, वह है आसमान के जो जड़ है, तुम चैतन्य हो, उनमें तो फेर बदल कुछ नहीं होता, तुम तो 84 जन्म लेते हो, कितना बड़ा पाट बजाते हो, पाट बजाते बजाते चमक डल हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर बाप आकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उझाई हुई है, ताकत जो भरी थी वह खलास हो गई है, अब फिर बाप द्वारा ताकत भरते हो, तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो, इसमें माया भी बहुत विघ्न डालती है, बैटरी चार्ज करने नहीं देती, तुम चैतन्य बैटरियां हो, जानते हो बाप के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे, अभी तमो प्रधान बने हैं, उस हद की पढ़ाई और इस बेहद की पढ़ाई में बहुत फर्क है, कैसे नंबरवार सब आत्माएं ऊपर जाती है, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आना है, सबको अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है, तुमने यह 84 का पाठ कितनी बार बजाया होगा, तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई है, जब जानते हो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए, परंतु माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती, माया बैटरी चार्ज करना तुमको भुला देती है, घड़ी घड़ी बैटरी डिस्चार्ज करा देती है, कोशिश करते हो बाप को याद करने की परंतु कर नहीं सकते हो, तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सत्तो प्रधान तक नज़दीक आते हैं उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज कर देती है, यह पिछारी तक होता रहेगा, फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाते हैं, फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे, सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं, बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज कराते हैं, खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है, बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान होता है, न हटे उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है, पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है तो फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पाठ पूरा होता है, जैसे कल्प कल्प होता है, आत्माओं की माला बनती रहती है, तुम बच्चे जानते हो रुद्राक्ष की माला है, विष्णु की भी माला है, पहले नंबर में तो उनकी माला रखेंगे ना, बाप दैवी दुनिया रचते हैं, जैसे रुद्र माला है वैसे रुंड माला है, ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकेगी, बदली सदली होती रहेगी, फाइनल तब होंगे जब रुद्र माला बनेगी, यह ब्राह्मणों की भी माला है परंतु इस समय नहीं बन सकती, वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है, शिव बाबा के संतान की भी माला है, विष्णु की भी माला कहेंगे, तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की और शिव की भी माला चाहिए, यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार है, सुनते तो सभी हैं परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है, सुनते ही नहीं, कोई तो पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं भगवान पढ़ाने आए हैं, पढ़ते ही नहीं है, यह पढ़ाई तो कितना खुशी से पढ़नी चाहिए, अच्छा
मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, याद के यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सत्व प्रधान तक पहुंचना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। दो नंबर है, मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। ज्ञान और योग में मस्त बनना है, बाप जो समझाते हैं वो अपने भाइयों को भी समझाना है। आज का वरदान है, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा ना कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, अपने किसी कमजोर संकल्प का भी बंधन न हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है यह स्मृति रहती है तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। आज का स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। अच्छा, ओम शांति।